पोटेमो क्रिमिनल से ते चारों ओर जिंदगी तीन से भरी, फिर एक दिन आसमां से एक बुक गिरी और आंखें मुझको मिली। तो ये कार्टून शुरू होता है, सॉरी, तो ये कहानी शुरू होती है शिनिगामी की दुनिया से। शिनिगामी जिसका मतलब है गॉड ऑफ डेथ। शिनिगामी की इस दुनिया में सारे शिनिगामी या तो जुआ खेलते हैं या सोते हैं या मर चुके हैं। इन सब के बीच रियुक शिनिगामी का ध्यान कहीं और है, क्योंकि रियुक शिनिगामी अपनी इस दुनिया की हालत से परेशान है। वहाँ जापान के टोक्यो शहर में रहता है लाइट यागामी, जो एक स्कूल स्टूडेंट है और अपनी क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट भी, और जिसका नाम उल्टा लिखोगे तो आई एम गे होगा। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अर्थ पे लाइट भी अपनी दुनिया से खुश नहीं है, क्योंकि आए दिन खून खराबा, धोखाधड़ी, चोरी चकारी जैसी न्यूज जो आती रहती है, और जापान में तो अर्नब भी नहीं है जो जस्टिस दिला दे। इसीलिए लाइट यागामी अपनी दुनिया के हालात से परेशान है। तो एक दिन आसमान से गिरती है एक बुक जिस पे लिखा है डेथ नोट, मतलब मौत की किताब, जो मिलती है स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के लाइट को, जिसमें लिखा है इस डेथ नोट में किसी का भी नाम लिखोगे उसकी मौत हो जाएगी, पर नाम लिखते टाइम उसकी शक्ल दिमाग में होनी चाहिए ताकि सेम नाम वाला कोई और ना मर जाए, और नाम लिखने के 40 सेकंड बाद वो इंसान मर जाएगा, वो भी हार्ट अटैक से। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, नाम लिखने के बाद अगर कॉज ऑफ डेथ स्पेसिफाई करोगे तो उसकी मौत उसी तरीके से होगी, ना कि हार्ट अटैक से। लेकिन कॉज ऑफ डेथ लिखने के बाद 6 मिनट 40 सेकंड का टाइम ही मिलेगा डिटेल्स लिखने का, और अगर कॉज ऑफ डेथ की डिटेल्स अचीव हुई, फॉर एग्जांपल योगी पेरिस में आईफिल टावर के नीचे किस करते हुए मरेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो योगी की मौत हार्ट अटैक से होगी। एनीवे, तो लाइट को ये डेथ नोट एक मजाक लगती है। आखिर क्यों ना लगे, किसी का नाम लिखने से किसी की मौत थोड़ी हो जाती है। तो टेस्ट करने के लिए लाइट न्यूज देख के किसी क्रिमिनल का नाम लिख देता है और इंतजार करता है। तो टिक टॉक टिक टॉक टिक, और हो गए 40 सेकंड्स। देखा, फुद्दू बना रहे थे, कुछ नहीं होता इस डेथ नोट से। इससे ज्यादा रियल तो WWE है। अभी अभी सूत्रों से पता चला है सारे हॉस्टेजेस बच गए, तो उस टेररिस्ट का क्या हुआ? अंदर से खबर आई है कि आतंकवादी जमीन पे पड़ा है, जैसे कि उसे हार्ट अटैक आया हो। What the shock? मतलब 40 सेकंड बाद उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से हो जाती है मौत। लाइट यागामी चौंक जाता है, क्या ये डेथ नोट असली है? लाइट इसे एक और बार फिर से चेक करता है, पर इस बार मौत कैसी होगी वो भी लिखता है। तो इस बार क्रिमिनल की मौत ट्रक से ठुक्के हो जाती है जैसा कि उसने लिखा था। मतलब ये डेथ नोट असली है? वहां सात समुंदर पार शिनिगामी वर्ल्ड में रियुक शिनिगामी ये सब देख रहा है। 5 दिन हो गए डेथ नोट अर्थ पे गिरी पड़ी है, अब टाइम आ गया है अर्थ पे जाने का। रियुक, तुझसे बड़ा भूतिया नहीं देखा। अपनी डेथ नोट अर्थ पे गिरा दी, छोड़ दिया। इन शिनिगामीज का कुछ नहीं हो सकता, इनसे अच्छा तो अपना यमराज है। सॉरी रियुक, तू ही बढ़िया है भाई। थैंक यू काइंड सर। तो अब वो अर्थ पे आ जाता है डेथ नोट के पीछे पीछे, पर लाइट की रियुक को देख के फटके 4 हो जाती है। तो रियुक बोलता है, इतना क्यों डर रहा है, तुझे तो अब आदत हो गई ना इन सब की। बस 5 दिन हुए डेथ नोट तेरे पास है और तूने इतने सारे लोग को मार दिया। जितने ज्यादा लोग को मेरी एक्स ने डेट नहीं किया उससे ज्यादा तो तूने लोग मार दिया है। तुझमे और मुझमे कोई फर्क नहीं है लाइट, अपने साथ मत जोड़िए हमको। मैं हूँ शिनिगामी रियुक, द गॉड ऑफ डेथ। तो रियुक इसे बताता है कि डेथ नोट उसकी है, और सिंस लाइट ने डेथ नोट को छू लिया तो ये अब लाइट की है, पर अगर ये किसी और को दे दी तो डेथ नोट उसकी हो जाएगी और डेथ नोट से रिलेटेड मेमोरीज वैनिश भी हो जाएंगी। एंड ऑल्सो डेथ नोट ओनर की जब डेथ होगी तो वो ना हेल जाएगा ना हेवन, एंड सिंस सिर्फ लाइट डेथ नोट का ओनर है तो वही रियुक को देख सकता है। और जब तेरा टाइम आएगा तो मैं अपनी डेथ नोट में तेरा नाम लिखूंगा। तो लाइट यागामी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके पास दुनिया बदलने की ताकत जो है, और अब वो इस ताकत से दुनिया का सारा जुर्म मिटा देना चाहता है। वो दुनिया को बदल के उसका नया भगवान बनना चाहता है। लेकिन ये ऐसा करना क्यों चाहता है? Because I've been bored too. तो लाइट अब अपने स्कूल के बाद स्पेसिफिकली टाइम निकालता है ताकि वो बाकी के काम कर सके, जैसे कि क्लास वर्क, होमवर्क, यार ताकि उसके एकेडमिक्स पे असर ना हो। रियुक शिनिगामी इसके इस डेडिकेशन से हैरान है। क्रिमिनल को भी मार रिला, पढ़ाई भी कर रिला, स्केड्यूल है तेरा एकदम टाइट, ये सब वन टेक में कैसे कर रिला है? थोड़ा तो एक्सप्लेन कर लाइट।
तो रियूक लाइट को एक और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देता है। अगर किसी ने डेथ नोट टच भी की तो वो रियूक शिनिगामी को देख सकता है। ओके। पिछले एक हफ्ते में 52 मौतें हो चुकी हैं। सारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। सर पर वो सब तो क्रिमिनल्स थे। क्रिमिनल्स जो पकड़े जा सकते थे या फिर जेल में अपनी सजा काट रहे थे। तो अब क्या करें सर, हमारी तो फटके 1036 हो गई है। अब लगता है एल को इस केस में लाना पड़ेगा। एल को लाना पड़ेगा? उसे तो आज तक किसी ने देखा नहीं। क्या तुमने देखा है? नहीं, बस वटारी ने देखा है। आखिर एल है कौन? तो एल है एक बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव जिसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, एंड उसने पुलिस डिपार्टमेंट की पहले भी बहुत मदद की है, और एल ने आज तक सारे क्राइम सॉल्व किए हैं, और उसका सक्सेस रेट है 100। तो भाई एल की कुछ डिमांड्स हैं। सारी पुलिस डिपार्टमेंट एल के साथ पूरा कोऑपरेट करेगी। राम राम भाई सबको। मुझे शक है कि खूनी जापान के द्वारका सेक्टर 21 में है, क्योंकि सबसे पहला हार्ट अटैक केस जिसपे किसी का ध्यान नहीं था, जैसे भाई की एक्टिंग भी नहीं होता। Why would you say something so controversial yet so brave? वो द्वारका सेक्टर 21 का ही था, तो मेरा 20 जापान की द्वारका सेक्टर 21 में ही सेटअप किया जाए। बाकी की बातें पीने के बाद। ओके बाय। वाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, क्रिमिनल्स की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है। लोगों को ये जस्टिस का नया तरीका पसंद आ रहा है। लोग इस अननोन इंसान को कीरा बुला रहे हैं। कीरा द सेवियर। इंटरनेट पे कीरा के लिए काफी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ लाइट यागामी को ये सपोर्ट काफी अच्छा लगने लगता है कि तभी टीवी पे एक आदमी लाइव आता है, लिंड एल टेलर। एल? तो एल टीवी पे आके बोलता है, मेरा नाम एल है और मैं कीरा को पकड़ के रहूंगा इंटरपोल की मदद से। कीरा जो तू कर रहा है वो गलत है और उसकी सजा तुझे मिलेगी। ब्रा मिलेगी, क्योंकि पर होने से पहले मैं तुझे धर लूंगा। तो लाइट को ये धमकी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। लाइट गुस्से में आके एल का नाम लिख देता है डेथ नोट में। एल से लिंड, एल से एल, टी से टेलर, और टिक टॉक टिक टॉक टिक। 40 सेकंड्स के बाद एल की मौत हो जाती है लाइट टीवी पे। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। ही राम, और सारी दुनिया ये लाइव विटनेस कर रही है कि प्लॉट ट्विस्ट, असली एल की आवाज आती है टीवी से। कीरा, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता था कि तू एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अब ये कंफर्म है। जिसको तूने मारा वो एक क्रिमिनल था जिसको वैसे भी मौत की सजा मिलने वाली थी। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। क्यों नहीं मार सकता ना? शायद मारने के लिए तुझे नाम और शक्ल दोनों चाहिए। तुझे मैं बहुत जल्दी पकड़ लूंगा, क्योंकि तू जापान में रहता है मैं ये जानता हूँ, और ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के द्वारका सेक्टर 21 में हो रहा है। मतलब तू इसी शहर में है कीरा, अब तू बच के कैसे भागेगा? ओ शिट, लाइट एल के जाल में फंस गया। वहाँ जापान की पुलिस इन्वेस्टिगेट करने में लगी है कि कीरा है कौन, पर अब तक सिर्फ फॉल्स सस्पेक्ट्स मिले हैं। पर एल को कीरा के किलिंग पैटर्न के टाइमिंग से एक ही शक है, कीरा कोई स्टूडेंट है और स्कूल के बाद ही वो सारे क्राइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ रियूक शिनिगामी हैरान है कि लाइट इतना कुछ होने के बाद भी इतना रिलैक्स्ड कैसे है। पर प्लॉट ट्विस्ट, लाइट यागामी का बाप पुलिस टास्क फोर्स का चीफ है, एंड लाइट को पता है कि उसके डैड कीरा केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो लाइट अपने डैड का कंप्यूटर हैक करके इस केस के इन्वेस्टिगेशन की हर चीज से अपडेटेड रहता है। तो भाई अब स्टूडेंट्स पे शक है तो क्या करें? अगर डेथ नोट में मरने का तरीका लिख सकते हैं तो टाइम भी लिख सकते हैं, है ना रियूक? Yes. तो अगले दिन लाइट उठता है, पॉटी करता है, रेडी होता है स्कूल जाने के लिए, लड़कियां ताड़ता है, नहीं चमड़ी नहीं है, मतलब डे टू डे लाइफ वाली सारे काम करता है, और 23 घंटे में 23 क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है, मतलब एक घंटे में एक मौत। पर एल का अब शक पड़ गया। I'm damn sure कीरा पक्का एक स्टूडेंट ही है। Also, उसके पास पुलिस फाइल्स की एक्सेस है, क्योंकि हमारे शक करने के बाद ही उसने अपना किलिंग पैटर्न बदल दिया। एल कितना स्मार्ट है यार। बट एक सेकेंड, पैटर्न चेंज करने का प्लान तो लाइट का था ना। बेसिकली एल को आज तक किसी ने नहीं देखा, तो मेरे स्टेप से एल को अब पुलिस पे शक हो, वो उन पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिससे पुलिस वालों का भरोसा उठ जाएगा एल से, और ऐसा करते हुए वो एल को ढूंढ लेंगे, और जब ढूंढ लेंगे मैं एल को मार दूंगा। और वही हुआ, पुलिस वालों को भरोसा नहीं है एल पे, क्योंकि एल अंधेरे में काम करता है ना, और जापान की पुलिस को रिस्क उठाना पड़ रहा है। वाह भाई, लाइट तो एल से भी ज्यादा स्मार्ट है। तो अब स्कूल के बाद घर जाते टाइम रियूक लाइट को बताता है, लाइट वैसे तो तेरे पीछे मैं हूं, लेकिन तेरा कोई पीछा कर। इसका मतलब लाइट के पीछे एक आदमी लगा दिया है एल ने। इनफैक्ट उसने सारे पुलिस वालों की फैमिली के पीछे किसी ना किसी को लगा दिया है, ताकि पता चले कीरा है कौन। अब लाइट को है डर,
अगर इस आदमी ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो इसे पता चल जाएगा कि कीरा मैं ही हूँ। मुझे बस इसका नाम पता करना है ताकि मैं इसका नाम डेथ नोट में लिख के इसे मार दूं। तभी रियुक शिनिगामी इसे एक और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देता है। लाइट, मेरे पास शिनिगामी की आंखें हैं जिससे हम सामने वाले का नाम और उसके बचे हुए साल देख सकते हैं। तुझे चाहिए तो शिनिगामी की आंखें मैं तुझे दे सकता हूँ, पर उसके बदले में तुझे अपनी आधी उम्र सेक्रीफाइस करनी होगी। लाइट इस ऑफर से शॉक हो जाता है, पर लाइट काफी स्मार्ट है। वो इस ऑफर को ठुकरा देता है बिकॉज लाइट को दुनिया बदलनी है। वो ये काम ज्यादा साल जिंदा रह के करना चाहता है। रियुक के मन में अब लाइट के लिए और भी इज्जत बढ़ गई और वो लाइट को एक शिनिगामी के लायक समझता है, क्योंकि शिनिगामी की दुनिया डल हो चुकी है। वहां के बाकी शिनिगामी बस सोते हैं और पोकर खेलते हैं। उन्हें भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं। कमाल है, शिनिगामी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और वो एक इंसान की जान इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें मरना नहीं है। क्योंकि एक शिनिगामी और इंसान में ये फर्क है कि डेथ नोट से जिसकी भी मौत होती है उसकी उम्र शिनिगामी को लग जाती है, जिसकी वजह से शिनिगामीज अमर होते हैं। पर अब लाइट को पीछा कर रहे आदमी से छुटकारा चाहिए, तो उसके पास है एक प्लान। वो 6 क्रिमिनल्स को मार देता है कुछ स्पेसिफिक तरीके से। एक मरने से पहले दीवार पे निशान छोड़ देता है, तो एक मरने से पहले सुसाइड नोट। तो लाइट अब अपनी एक फ्रेंड को कॉल करता है डेट पे जाने के लिए और वो आदमी इसके पीछे अभी भी है। लाइट बस में चढ़ जाता है जहां वो आदमी इसके पीछे वाली सीट पे आके बैठ जाता है। पर कुछ स्टॉप्स के बाद एक आदमी बस में चढ़ता है और पता चलता है कि ये आदमी तो हाईजैकर है जो बस को हाईजैक कर लेता है। तभी लाइट के पीछे बैठा आदमी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो एक सीक्रेट FBI एजेंट है और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो लाइट का पीछा जो कर रहा है। यह लाइट अपनी फ्रेंड को एक पेपर पे मैसेज लिख के देता है कि वो इस आदमी से उसकी गन छीनने वाला है। पर तभी पीछे बैठा एजेंट ये मैसेज पढ़ के बोलता है, ऐसा कुछ मत करना, मेरी बात मानो, मैं FBI एजेंट हूँ। हम कैसे मान ले? तुम इस हाईजैकर के पार्टनर भी तो हो सकते हो। तो एजेंट अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी आईडी दिखाता है, रे पेनबर FBI। अब लाइट को इसका नाम पता चल गया, बट वो शॉक में है बिकॉज FBI उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तभी लाइट की पॉकेट से वो पेपर गिर जाता है और हाईजैकर की नजर उस पे पड़ जाती है। वो जाके पेपर उठा लेता है और पढ़ता है, बट पेपर पे कुछ नहीं लिखा। तो वो ऊपर देखता है और उसे दिखता है रियुक शिनिगामी। व्हाट द फक, मतलब वो कोई मामूली पेपर नहीं था, वो डेथ नोट का पेपर था जिसकी वजह से वो रियुक को देख सकता है। तो हाईजैकर की फटके 4 और डर के मारे वो बाहर भागता है कि तभी एक गाड़ी से ठोक के मार देती है। मतलब ये सब लाइट का प्लान था। अब उसे उस एजेंट का नाम पता चल गया। ओके, लाइट बहुत स्मार्ट है यार। अब रे पेनबर ने अपनी आइडेंटिटी उस इंसान को बता दी जिसका उसे पीछा करना था, मतलब लाइट को यार। तो उसे ये बात ऑफ रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी। तो लाइट उसे दिलासा देता है कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगा। तो रे पेनबर का शक लाइट से खत्म हो जाता है। अब घर जाके ये बात रे पेनबर अपनी फियांसे को बताता है जो खुद एक FBI एजेंट है, इसलिए इसे पूरे इंसिडेंट पे हो रहा है अब शक। व्हाट द फक। यहाँ अब लाइट को पता है कि FBI इन्वॉल्व है इस केस में, तो वो अब रे पेनबर का पीछा करता है और उसे बंदी बना लेता है। तो ये रे को एक वॉकी टॉकी और एक एनवलप देता है और कहता है द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो में चढ़ने के लिए और अपने आप को रिवील नहीं करता। तो अब लाइट धमकी देता है कि वो उसे मार देगा अगर रे ने उन सारे FBI एजेंट्स का नाम नहीं लिखा उसके दिए हुए एनवलप में। अब रे पेनबर के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वो सारे नाम लिख देता है और फिर ट्रेन से बाहर निकलता है। पर तभी रे पेनबर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो जाता है और मरते मरते उसके सामने खड़ा दिखता है कीरा जो लाइट यागामी है। Farewell, Ray Penber. बट एक प्लॉट ट्विस्ट, रे पेनबर ने जिस एनवेलप में सारे FBI एजेंट्स का नाम लिखा था वो तो डेथ नोट का पेज था और रे पेनबर के दिमाग में उनका चेहरा भी था। व्हाट द फक, कितना स्मार्ट है यार लाइट। और वो नाम लिखने की वजह से सारे FBI एजेंट्स जो इस केस में काम कर रहे थे उन सबकी हो जाती है मौत, मतलब सबके सब हार्ट अटैक से मर गए। इस बात से सारा डिपार्टमेंट हिल जाता है और सबके सब डर जाते हैं और सबके सब डर के मारे एक एक करके रिजाइन कर देते हैं। इवन FBI भी इस केस से खुद को पीछे कर लेती है। अब किन के 6 एजेंट्स बचे हैं इस केस में, इंक्लूडिंग लाइट यागामी के डैड पुलिस चीफ। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि एल को स्टार्टिंग से यही चाहिए था कि कुछ ऐसे वफादार ऑफिसर हों इस केस में जो मरने के लिए तैयार हों और जिन पे वो भरोसा कर सके। तो अब एल फाइनली इन बचे हुए ऑफिसर्स को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि एल को आज तक किसी ने नहीं देखा और ये पहला केस है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब सारे एजेंट्स एल से मिलने जाते हैं और एल निकलता है एक डैशिंग स्मार्ट मैच्योर मस्कुलर, अबे नहीं बे, एल निकलता है KV के स्कूल में पढ़ने वाला 10th ग्रेड का बच्चा, मतलब इंटेलिजेंट बच्चा। सारे एजेंट्स एल को देख के हैरान है।
Bang. What the hell was that? एल सारे एजेंट्स को अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करने से मना करता है क्योंकि उसे पता है कि कीरा को नाम और शक्ल चाहिए किसी को मारने के लिए। तो वो इन सारे एजेंट्स के साथ प्लान आउट करता है कि कीरा को कैसे फंसा के बाहर निकाला जाए। वहाँ लाइट सारे लूज एंड्स ढूंढ रहा है जिससे वो पकड़ा ना जाए, स्पेशली उस बस हाईजैकिंग से रिलेटेड। और लाइट का बाप जो चीफ ऑफ पुलिस है काफी दिन से घर नहीं आए केस की वजह से यार। तो लाइट हेडक्वार्टर्स जाता है अपने डैड को लंच देने और उसका प्लान है कि उस केस से रिलेटेड थोड़े और अपडेट्स ले ले। तो लाइट जैसे ही हेडक्वार्टर्स पहुंचता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो कीरा केस से रिलेटेड लोगों से मिलना चाहती है। मगर क्यों? क्योंकि ये रे पेनबर्ग की फियांसे है और वो कहती है मेरे पास इस कीरा केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। बट हेडक्वार्टर्स में कोई नहीं है क्योंकि सब एल से मिलने जो गए हैं। तो ये बात लाइट सुन लेता है। लाइट इससे बात करना शुरू करता है और उसे ये बोलता है कि मेरे डैड इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं उन्हें पास ऑन कर दूंगा। ये सुन के रे पेनबर्ग की फियांसे उसे सब बता देती है कि कैसे रे बस हाईजैकिंग के टाइम वहां था, कैसे वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था और ये पूरा बस हाईजैकिंग सीन काफी सस्पिशियस है। ओके, लाइट काफी लकी है, ये इन्फॉर्मेशन अगर एल तक पहुंच जाती तो लाइट पकड़ा जाता। बट अब लाइट का एक ही मकसद है, इस लड़की का नाम पता करना। तो ये इसे अपनी बातों में फंसा के इसका नाम पूछता है। तो रे पेनबर्ग की फियांसे बोलती है मेरा नाम माकी शोको है, बट तुम्हें एक बात बोलूं, तुम एल जैसे हो। क्या? तुम में से एल की वाइब आती है, बिकॉज जब मैं यूएस में थी तो मैं केस के सिलसिले में एल के अंडर काम कर रही थी। वो मतलब माकी एल को जानती है? तो लाइट माकी शोकू का नाम डेथ नोट में लिखता है और डिटेल्स में लिखता है कि माकी सुसाइड करेगी और उसकी लाश कभी किसी को नहीं मिलेगी। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक 40 सेकंड हो गए और ये नहीं मरी। क्या, ये मर क्यों नहीं रही? इसका मतलब इसने अपना नाम गलत बताया है। लाइट छोटा सा है काम, आइस का सौदा कर ले और जान ले इसका नाम। तो लाइट मना कर देता है और अब उसे इसका नाम कैसे भी पता करना है, बिकॉज अगर इसने जाके बस हाईजैकिंग वाली इन्फॉर्मेशन दे दी तो सबको पता चल जाएगा कि कीरा लाइट ही है। तो लाइट बोलता है एक्सक्यूज मी माकी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस केस में एल के साथ काम कर रहा हूँ एंड आई थिंक तुम हमारी काफी हेल्प कर सकती हो क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट एजेंट हो। क्या तुम अपनी कोई आईडी दे सकती हो ताकि मैं तुम्हें स्पेशल टास्क फोर्स में रिकमेंड कर सकूं? I'm sorry light, मैंने जो तुम्हें नाम बताया था वो गलत था। ये लो मेरी आईडी, मैं इस केस में काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरे फियांसे के कातिल को पकड़ना है और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो माकी इसे अपनी आईडी दे देती है जिसपे असली नाम लिखा है नाओमी मिसोरा और ये नाम लाइट डेथ नोट में लिख देता है। तो टिक टॉक टिक टॉक टिक, मैं ही कीरा हूं। और नाओमी मर गई। शिट यार, फक। यहाँ एल को खबर मिल जाती है रे पेनबर्ग की फियांसे के गायब होने की और रे पेनबर्ग जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था अब उस पे एल को है शक। तो एल अब ऑर्डर्स देता है कि लाइट यागामिया और दूसरे सस्पेक्ट्स के घर में कैमरा और माइक लगाओ फटाफट ताकि उन पे नजर रखी जा सके। पर लाइट भी कम स्मार्ट नहीं है, उसे पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई आया था क्योंकि उसने ट्रैप सेटअप्स जो किए थे। तो उसे समझ में आ गया कि एल को उस पे शक है, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो लाइट र्यूक से बोलता है तुम्हें एप्पल्स बहुत पसंद है ना र्यूक, पर तुम अब उसे खा नहीं सकते क्योंकि पूरे घर में कैमरास है और अगर एप्पल्स चाहिए तो सारे कैमरास को ढूंढो और ब्लाइंड स्पॉट निकालो। तो र्यूक को चाहिए एप्पल्स बिकॉज एप्पल्स उसके लिए ऐसे है जैसे इंसान के लिए नशा। तो अब लाइट नॉर्मल बिहेव करता है ताकि उस पे शक ना हो। तो लाइट शाम को पढ़ाई करने जाता है चिप्स का एक बड़ा सा पैकेट लेके, बट उसके अंदर उसने छुपा रखा एक मिनी एलसीडी टीवी और वो पढ़ाई करने का नाटक कर रहा है। और जैसे जैसे टीवी पे क्रिमिनल्स के नाम आते हैं लाइट लेफ्ट हैंड से उनके नाम डेथ नोट पे लिखता है और राइट हैंड से आरडी शर्मा की इक्वेशन सॉल्व करता है और हमें मिलता है ये एपिक सीन। I'll take a potato chip and eat it. अब ये देख के लगता है कि शायद लाइट सस्पेक्ट नहीं है क्योंकि लाइट तो पढ़ाई कर रहा है, पर एल का शक अभी भी उसी पे है। अब सिंस एल के पास कोई प्रूफ नहीं है, एल लाइट के घर से कैमरा हटा देता है और सोच में पड़ता है कीरा ये कैसे कर रहा है, वो एक मामूली इंसान नहीं है, शायद गॉड है। अब लाइट के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया, वो तैयार होके एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाता है एग्जाम देने, पर वहाँ एल भी उसी एग्जामिनेशन हॉल में है क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन किसको नहीं चाहिए यार। तो लाइट ने इस एग्जाम में किया है टॉप, तो कॉलेज सेरेमनी में लाइट को देनी है फ्रेशर स्पीच क्योंकि बाहर के कॉलेजेस में ऐसा ही होता है यार। पता नहीं इंडिया में बुलिंग छोड़ के कब शुरू होगा ये सब, फ्रेशर्स को बिना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो अब कॉलेज सेरेमनी के स्टेज पे दो टॉपर्स को बुलाते हैं, एक तो लाइट है बट दूसरा कौन है? वो ये तो एल है, मतलब एल ने भी एग्जाम टॉप किया है और दूसरा टॉपर एल है। तो
एल को यहाँ हिडेकी रियुगा के नाम से जानते हैं लोग। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हिडेकी रियुगा नाम का पॉप स्टार है जापान में, जस्ट लाइक शाहरुख खान यार। तो एल का इंटरेस्ट लाइट में है। वो उसे बोलता है, लाइट हाय, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमने पहले भी पुलिस की बहुत मदद की है केसेस में, और तुम एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो। बढ़िया भाई, क्या बात है। बाय द वे, मैं एल हूं। व्हाट द फक, लाइट शॉक में है। क्या ये आदमी सच में एल है या कोई पागल है? क्या इसे पता है मैं कीरा हूँ? अगर ये सच में एल है तो मैं इसका नाम अभी के अभी लिख के इसे मार सकता हूँ। बट अगर इसने अपना नाम गलत बताया है तो हिडेकी रियुगा एके जापान का शाहरुख खान मर जाएगा। मतलब हजार सवाल चल रहे हैं इसके मन में, पर वो खुद को काम रखता है। लाइट, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारी जरूरत है मैं इस कीरा केस में। पर ये सब एल का प्लान है। अगर लाइट सच में कीरा है तो ये उस पे प्रेशर डाल रहा है। लाइट घर जाके भड़क जाता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। पर अब लाइट इस चीज को एक चैलेंज की तरह लेता है क्योंकि उसे पता है एल के पास कोई सबूत नहीं है और अब ये इनके करीब होके इन सबको मार सकता है। वहाँ एल ए के रियुजाकी को अभी भी शक है लाइट पे, पर उसे उसकी हेल्प चाहिए कीरा का केस सॉल्व करने में। और वेल, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि और कोई इतना स्मार्ट नहीं है ना। तो वो उसको हर घड़ी टेस्ट करता है और उसे बोलता है, लाइट मुझे तुम पे शक है कि तुम ही कीरा हो। लाइट को एल का खेल समझ में आ रहा है कि एल को उस पे शक है और वो उसका टेस्ट ले रहा है, उसकी एक गलती पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर तभी खबर आती है कि लाइट का बाप चीफ ऑफ पुलिस को हार्ट अटैक आ गया। क्या, लाइट ने अपने डैड का नाम डेथ नोट में लिख दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, वो जिंदा है, बस इतने स्ट्रेस और टेंशन की वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया था। तो इसके डैड एल की आइडेंटिटी कंफर्म कर देते हैं और वेल, लाइट भी अब कीरा इन्वेस्टिगेशन केस का हिस्सा है। तो लाइट बोलता है, अब मैं कीरा को खुद पकड़ के उसके गुनाहों की सजा दूंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मगर एल का शक अभी भी कम नहीं हुआ है लाइट से। पर तभी एक न्यूज चैनल के पास कुछ टेप्स आते हैं और एक नोट जिसमें लिखा है, अगर ये टेप्स मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्ले नहीं किए तो तुम्हारे चैनल के डायरेक्टर को मार दूंगा मैं। और वेल, न्यूज वालों को तो टीआरपी चाहिए एज यूजुअल यार। तो वो इन टेप्स को प्ले कर देते हैं अपने चैनल पे, जहाँ कीरा अपने पावर को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए कुछ टीवी होस्ट को मार देता है। रियुजाकी एके एल ये देख के हैरान है कि तभी कीरा एक और मैसेज भेजता है, दुनिया वालों, मैं इस दुनिया को बदलने वाला हूँ, जहाँ सिर्फ अच्छे और भले लोग रहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि पुलिस भी मेरा साथ दे, वरना एक एक करके लोगों को मैं मार दूंगा। एलिस ब्रॉडकास्ट को बंद करने के लिए ऑर्डर्स देता है, पर न्यूज वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे क्योंकि वो कीरा के हॉस्टेज है ना यार। तो टास्क फोर्स का एक इंस्पेक्टर जाता है न्यूज स्टेशन इसे रोकने, मगर गेट पे पहुंचते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। ये देख के एल और परेशान हो जाता है, बिकॉज कीरा को पहले नाम और शक्ल चाहिए होती थी मारने के लिए, पर अब सिर्फ शक्ल से मार रहा है। मगर तभी एक गाड़ी सब कुछ तोड़ते हुए जा घुसती है न्यूज स्टेशन में। ओ तेरी भाई, ये तो चीफ ऑफ पुलिस मिस्टर यागामी है, जो हॉस्पिटल से सीधा वहाँ पहुँच गए इस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए। आखिर वो कीरा को ऐसे थोड़ी जीतने देंगे। काश यहाँ भी पुलिस इतनी डेडिकेशन से काम करती है। और ब्रॉडकास्ट रुक जाता है तो एल उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ऐसा वे तैयार करता है ताकि किसी को उनकी शक्ल ना दिखे, क्योंकि कीरा बिना नाम के लोग को मारने लग गया है। मतलब लाइट ने शिनिगामी की आंखें ले ली हैं। व्हाट द फक। एल इन सारे टेप्स को इन्वेस्टिगेट करता है तो वो बाकी के टेप्स प्ले करता है जिसमें एक और मैसेज होता है, द्वारका वालों, तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, असली एल अपने आप को रिवील कर दे, वरना उसके बदले में अगली मौत होगी डायरेक्टर जनरल की। तुम लोगों के पास सिर्फ 4 दिन का टाइम है। पर ये सब काम लाइट ने नहीं किया क्योंकि लाइट भी तो अब इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है। तो ये काम किसी और का है जिसके पास शिनिगामी की आंखें हैं और वो लोगों का नाम भी देख सकता है। व्हाट द फक। पर ये है कौन, और इसका मतलब लाइट के अलावा एक और कीड़ा है। ये था डेथ नोट पार्ट 1। अगर तुम्हें पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारे डेथ नोट के बेस्ट एक्सपीरियंस, ताकि इस वीडियो पे एंगेजमेंट बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें। वीप्स एंड ओताकूस स्पेशल टू यू। तो अब सवाल ये है, पार्ट 2 कब आएगा? तो सुनो, 50-50 का सौदा कर लेते हैं। इस वीडियो पे 50K लाइक्स आ गए तो डेथ नोट पार्ट 2 डलेगी। तो जल्दी से 50K लाइक्स करवा दो, वरना भूलना मत, मेरे पास शिनिगामी की आंखें हैं। And don't forget to follow us on Instagram, Facebook, Twitter, Discord, Spotify. Okay, bye. For demo criminals, it's their charo, listen to Geeky.
ड्रिंक से भरी, फिर दिन आसमां से एक फुकरी और आखिर मुझको मिली डेथ।